वज़ीरे आला पंजाब एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही को ख़त लिख दिया। कल शाम 4 बजे असम्बली इजलास तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीरे आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद भी जमा करा दी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी अपोजिशन का आदम एतमाद। हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान एतमाद के वोट और अदम एतमाद दोनों ऑप्शन पर मुतहर्रिक। अदम एतमाद आ जाए तो असम्बली तहलील नहीं हो सकती। आईन में कहीं नहीं लिखा इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। किसी फर्द वाहिद को हक नहीं अवाम के मैंडेट को वक्त से पहले खत्म करे। अदा तारड़ की गुफ्तगु, क्या परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला हो सकते हैं? सहाफी का सवाल, ये मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का जवाब, अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इंतखाबात से फरार है। कल तक राणा सनाउल्ला और अहसन इकबाल कह रहे थे असम्बली तहलील करो, इलेक्शन हो जाएंगे। आज जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज इलाही असम्बली तहलील करेंगे। फवाद चौधरी, चौधरी परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। खिताब के बाद वो मुझसे 1 घंटा हंस हंस कर बातें करते रहे। उस वक्त तो नहीं कहा कि बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। कंवर जावेद बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया। हमारी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ हैं इमरान खान। मौजूदा सूरत हाल में कबल इस वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इमरान खान का इलेक्शन की बात करना बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय मुसलमान मोदी के मजालिम का निशाना बन रहे हैं। बीजेपी ने मेरे सर की कीमत लगा दी, जिसका मतलब है जो कहा दुरुस्त कहा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मर्दमशुमारी मुकम्मल ना हुई तो इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता निकाल लेता है तो तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। परवेज इलाही के बयान से नहीं लग रहा वो एक पेज पर हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू। इमरान खान एक फ्रॉड का नाम, चेहरे पर ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके तोहफे बेच कर ना खाए हों। अगर तहाइफ चोरी के नहीं थे तो फोटो लेने से क्यों डर रहे थे? आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। हर हलके में इमरान खान की जमानतें जब्त करा देंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल, आम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। पंजाब के मामले पर ज्यादा टेंशन है मगर हल निकल आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकातें अच्छी रहीं। अगले 3-4 रोज सियासी रबते और मुलाकातें जारी रहेंगी। इमरान खान अकलमंद आदमी है, उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं। चौधरी शुजात हुसैन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज। वज़रा आला भी खुसूसी शिरकत करेंगे। कौमी तवानाई बजट प्लान का जायजा और मंजूरी दी जाएगी। वफाक का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कौमी तवानाई बजट प्लान पर अमल दरामद का मंसूबा। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान अमरीका का पार्टनर। पाकिस्तान और भारत के साथ कसीर जहती तालुकात, अपने पार्टनर्स के दरमियान तनाव कम करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तालुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर पर दोनों मुल्कों को मिलकर बातचीत करना होगी, हमें कहा गया तो कश्मीर पर किरदार अदा करने को तैयार हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस। शाहीन आफरीदी आइंदा साल फरवरी में रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। फास्ट बॉलर का निकाह शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी से 3 फरवरी को होगा। रुखसती की तकरीब बाद में होगी।